प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन, मैं तो अदरव, आप सबके विन, वेलकम टू सत्या भैरव चैनल। आप देख रहे हैं सत्या भैरव चैनल और मैं हूं आपका दोस्त सत्या। या दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले एक नए पिक्चर के रिव्यू के बारे में जो हाल ही में रिलीज हुई है। पिक्चर का नाम है दबंग 3। जी हाँ दोस्तों, काफी दिनों से बेकरार थे हम, काफी दिनों से काफी इंतजार कर रहे थे कि ये पिक्चर कब रिलीज होगा, कब रिलीज होगा। आखिरकार ये पिक्चर रिलीज हो गया इस शुक्रवार को, इस फ्राइडे, दबंग 3। इसमें दरअसल इस पिक्चर के हीरो का रोल कर रहे हैं हमारे हीरो जो है सलमान खान। अगर आप सल्लू भाई के फैन है तो ये पिक्चर आपको काफी अच्छा लगेगा। अगर आप दबंग पार्ट 1 पार्ट 2 के भी फैन है तो ये पिक्चर आपको काफी अच्छा लगेगा। और इस पिक्चर में जो हमारे पिक्चर के डायरेक्टर हैं जो है प्रभु देवा, जो काफी अच्छे डायरेक्टर है और काफी अच्छे कैरेक्टर और काफी अच्छे डांसर भी कह सकते हैं। और इस पिक्चर के प्रोड्यूसर है उनके भाई खुद अरबाज खान। जी हाँ दोस्तों, इस पिक्चर में दरअसल एक डेब्यू रोल कर रहे हैं वो है हमारे साई मांजरेकर, जो मांजरेकर की बेटी है। और इस पिक्चर में जो हमेशा की तरह पार्ट 2 में भी और पार्ट 1 में जो हीरोइन रह चुकी है सोनाक्षी सिन्हा, इस पिक्चर में भी सेकंड हीरोइन के रोल कर रहे हैं सोनाक्षी सिन्हा। और दरअसल ये पिक्चर का स्टोरी एक 80s और 90s बीच की एक कहानी है जिसमें सलमान खान जो थोड़े यंग दिखाए गए, जो बाकी जो अभी 55 साल के हैं पर इसमें 25 साल के लगते हैं इस पिक्चर में, और एकदम 80s और 90s की तरह इस पिक्चर को फिल्माया गया है। तो इस पिक्चर में जो 80s की तरह लगते हैं जो 25 साल के जो हीरो हैं, जो उनसे प्यार हो जाता है जो साई मांजरेकर से, और साई मांजरेकर से प्यार होने के बाद फिर उनके साथ फिर सुदीप जो है जो विलन के रोल करते हैं, जो उन्हें पसंद नहीं लगता है कि इनके प्यार को, और इन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं अगर, और आखिरकार उनके पूरे पूरे परिवार को मार देते हैं, साई मांजरेकर को भी और उनके पूरे परिवार को। और इस पिक्चर में जो हमारे काफी अच्छे जो एक्सपीरियंस एक्टर जो महेश मांजरेकर, उन्होंने भी इस पिक्चर में एक्टिंग की है, बल्कि उनकी बेटी ही साई मांजरेकर है जो डेब्यू कर रही है इस पिक्चर में। असल पिक्चर की स्टोरी तो लिखी है हमारे सल्लू भाई ने और कास्टिंग कोच ने, इन्होंने शायद पूरा प्लान कर दिया था पहले से ही इस पिक्चर में ये एक्टर्स होंगे और ये एक्टिंग करेंगे और ये रोल करेंगे। और जैसे और सपोर्टिंग एक्टर जैसे टीनू आनंद और पंकज त्रिपाठी काफी अच्छे सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, और मौनी रॉय जो काफी अच्छे सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, काफी अच्छे उन्होंने एक्टिंग की है। दरअसल इस पिक्चर की स्टोरी इस तरह है कि जो हमेशा की तरह जो पार्ट 1 पार्ट 2 में भी एक हमारे सल्लू भाई एक बड़े पुलिस ऑफिसर के तौर में दिखाई देते हैं, और डायलॉग्स जो उनके हमेशा की तरह वैसे डायलॉग्स हैं और वैसे स्क्रीन प्ले है, और एक बिल्कुल 80s 90s की तरह पिक्चर, अगर 80s 90s में अगर पिक्चर रिलीज होती तो काफी अच्छा चलता। इस पिक्चर में खुद सोनाक्षी सिन्हा कहते हैं कि मैं 80s 90s की तरह डायलॉग नहीं कहूंगी, इस तरह कहते हैं, जैसे उनको ये कहना चाहिए था कि मैं 80s 90s की तरह ही ये पिक्चर आपने निकाला है, सल्लू भाई को कहना चाहिए था, दरअसल इस पिक्चर इसी तरह निकाला गया है। अगर इस नए जमाने के साथ थोड़ा मॉडर्नाइज करके निकाले होते तो काफी अच्छा होता, पिक्चर और अच्छा चलता। पर ठीक है, पिक्चर एक बार देखने लायक है। अगर आप सल्लू भाई के फैन हैं और सल्लू भाई के डांस देखना चाहते हैं और सल्लू भाई के एक्शन देखना चाहते हैं तो ये पिक्चर आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग है। मैं भी सल्लू भाई का फैन हूँ, पर इस तरह तो नहीं ताकि थोड़ा ये दिक्कत हो कि एकदम पुराने स्टाइल में आपने पिक्चर निकाला है। और उसके बाद इस पिक्चर में आप देख सकते हैं फर्स्ट हाफ में इस तरह और सेकेंड हाफ में विलन से बदला लेते हैं, और वही उनका जो शर्ट खोलने का स्टाइल और बॉडी दिखाने का स्टाइल और जो गाने जो है सोनाक्षी सिन्हा के साथ जो गाने जो दिखाए गए हैं बिल्कुल उसी तरह, और आधे से ज्यादा इसमें स्लो मोशन में इसमें सब कुछ होता है, फाइट सीन से लेकर इस तरह चलता है पिक्चर शुरुआत से लेकर एंड तक। और पिक्चर एक बार देखने लायक है। अगर आप स्टोरी देखना चाहते हैं पिक्चर में, कुछ कहानी है तो कहानी तो कुछ है नहीं, अगर आप सल्लू भाई की एक्टिंग देखना चाहते हैं और सल्लू भाई को नाचते हुए और गाते हुए और फाइट करते हुए देखना चाहते हैं तो आपके लिए पिक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। वरना तो पिक्चर तो कुछ इतना कुछ मैं खास नहीं कहूंगा। अगर देखते हैं अभी बॉक्स ऑफिस में कितने पैसे जमाती है और कैसे नाम कमाती है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अगर आपको जो कहना चाहते हैं आप जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल सत्या भैरव को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं अप टू डेट कोई भी वीडियो में अपलोड करूंगा रिव्यू किसी भी ट्रेलर के बारे में और किसी पिक्चर के बारे में रिव्यू करेंगे तो तुरंत आपको इत्तला हो जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर फैमिली मेंबर्स, रेस्पेक्टिव एल्डर्स। जय हिंद, वंदे मातरम।